सुबह सुबह जल्दी उठा सलार की टीजर के लिए, सोचा कुछ तो तगड़ा देखने को मिलेगा फाइनली प्रभास की तरफ से, क्योंकि लास्ट तीन मूवीज नहीं खैर छोड़ो फिर किसी और दिन बात कर लेंगे। एनीवेज तो आज सलार का टीजर ड्रॉप हुआ सुबह 5:12 पे, एंड भाई हमेशा की तरह इन लोगों ने फिर से गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। भाई इतनी जल्दी मैं किस लिए उठा सिर्फ 1 मिनट के टीजर के लिए, उसमें भी नरेटर पता नहीं कौन से एक्सेंट की इंग्लिश बोल रहा है, आधे टीजर में तो समझ में भी नहीं आता कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है, ऊपर से अनोइंग लगने लगता है एंड होते होते ये कैरेक्टर। उसके अलावा अगर टीजर की बात करें तो टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, मेरा मतलब कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इनको थोड़ा और लंबा टीजर बनाना था, 1.5 मिनट या 1 मिनट 45 सेकंड का बनाती तो ज्यादा सही रहता, उसमें भी एक दो डायलॉग्स और ऐड किए जा सकते थे ज्यादा हाइप बनाने के लिए, या फिर प्रभास का एक स्पेशल लुक रिवील शॉट दिखा देते भाई वही देख के संतुष्ट हो जाते। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठा सिर्फ प्रभास भैया का मुक्का देखने के लिए, भाई इतने में ही संतुष्ट कराओगे क्या, ठंडा छोड़ दिया। टीजर के जितने भी शॉट्स हैं काफी फिनिश्ड लग रहे हैं और काफी रॉ फील होते हैं, एंड ये वही KGF वाली सेम वाइब्स कैरी करते हैं, बस KGF की मूवीज में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है कलर्स का, वही सलार में थोड़ी सी कूलनेस दिखती है कलर्स में। प्रभास के एक्शन सीक्वेंसेस के कुछ ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं जहां वो स्वॉर्ड्स और गन्स का यूज कर अपने फाइट के लिए, भाई बंदूकें और तलवारों को हटाओ और यहां पे तुम प्रभास भैया की फिजिक देखो, और कुछ देख के पैसा वसूल हुआ ना हुआ हो ये देख के पैसा मेरा वसूल जरूर हो गया है। अब अगर बात करें कि क्या सालार सच में KGF यूनिवर्स का हिस्सा होगा या नहीं, तो एक्चुअली में इसका जवाब देना काफी टफ है, क्योंकि एक्चुअली में कहीं भी मेकर्स ने ये मेंशन नहीं किया है कि भाई ये मूवी जो है वो KGF यूनिवर्स में सेट है, उनने हर जगह प्रमोशंस में ऑलमोस्ट हर जगह यही यूज किया है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। उसके अलावा टीजर में बहुत से ऐसे शॉट्स भी हैं जो KGF से सिमिलर लगते हैं, एग्जांपल के लिए ये बस्ती का हस्ती वाला सीन ले लो, या फिर ये हॉल ले लो, ये हमें इनायत खलील वाले मेंशन की याद दिलाता है, या फिर ड्रोन व्यू वाला ये इंडस्ट्रियल शॉट ले लो, ये भी कोलार गोल्ड फील्ड्स की ही याद दिलाएगा तुम्हें। टीजर में हमें आर्मी के भी कुछ शॉट्स देखने को मिले थे, एंड सिंस KGF 1 एंड 2 के अंदर भी आर्मी के बहुत से शॉट्स थे, लेकिन ये आर्मी उस वाली आर्मी से बहुत डिफरेंट लग रही है, जहां KGF वाली आर्मी बहुत नॉर्मल लग रही थी वही ये आर्मी बहुत ज्यादा हैवीली इक्विप्ड है। खैर टीजर ने ज्यादा कुछ दिखाया ही नहीं बात करने के लिए, तो ट्रेलर्स का ही वेट करते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलना ज्यादा सही रहेगा। अभी के लिए टीजर अच्छा दिख रहा है, ट्रेलर हमें क्लियर आइडिया दे देगा कि एक्चुअली मूवी किस डायरेक्शन में जाएगी, बस डर इस बात का है कि भाई वो लोग कब्जा ना बना दे। तो खैर आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवी।